हवा महल। आज के हवा महल में सुनिए संतोष श्रीवास्तव की लिखी झलकी तबादला। भाइयों बहनों देवी देवताओं, आप सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी, अभी अभी आपका सिटी केबल सिटी यानी कि ऑफिस का भ्रमण करके आया है और खबर लाया है विद प्रूफ फैक्ट्स की कॉपी के साथ। दीपक जी, आप खाली हवा में ही बातें उड़ाते रहेंगे या कुछ सुनाएंगे भी? अरे काफी दिनों से कुछ गर्मा गर्म खबर सुनाई ही नहीं दी है। अरे रश्मि जी, ऐसी गर्म खबर है कि पिछले दिनों की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा हा? जल्दी बोलिए ना दीपक जी, नहीं तो शर्मा जी आ जाएंगे। अरे अरे, बात भी शर्मा जी के बारे में ही है। क्या सच? फिर तो जल्दी बता दीपक भाई। शांत शांत शांत। हाँ तो दोस्तों सुनो, हमारे शर्मा जी का तबादला मद्रास हो गया है। अरे शर्मा जी आ गए। शर्मा जी, अब तो उन्होंने हमें खुश होते हुए भी देख लिया है। आप जाते जाते भी देखना, सबकी खिंचाई करके जाएंगे। ये काहे का शोरगुल हो रहा है? एक तो ऑफिस देर से आते हो हैं, और फिर सारा समय गपशप में गुजारते रहते हो। सबकी एक दिन की छुट्टी काट लूंगा। और हाँ दीपक, ये काहे का शोरगुल मचा रखा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बस सर, हम लोग जरा सी खुशियां मना रहे थे सर कि आप। क्या मैं? अरे मनाओ मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। एक बुढ़ा चिल्लाता रहेगा तो चिल्लाता रहे। तो क्या सर, आपको मालूम नहीं? अरे मुझे सब मालूम है रश्मि देवी, और सब मालूम रहता है मुझे। तुम लोग कितनी काम चोरी करते हो, एक एक बात नोट रहती है। आए, तो यहाँ शर्मा जी को खबर कौन देता है? सर सर, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस सोचते रहते हैं। तुम लोग बस सोचते ही तो रहते हो। अरे सोचने से देश आगे नहीं बढ़ता, काम करो, काम कर्मठ बनो। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब वो ही बनेंगे। वो हाँ, क्या है रश्मि? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है ठीक है, सब लोग अपना अपना काम शुरू कर दो। और हाँ, वो हाजिरी रजिस्टर जरा मेरे पास अंदर भेज दो। बाप रे बाप, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। अरे जान छूटी तो लाखों उपाय। लेकिन ये शर्मा जी को तो मालूम ही नहीं कि उनका तबादला हो गया है। अरे ये ऐसे ही होते हैं, तुमको मालूम नहीं है रश्मि? इन लोगों को सब कुछ मालूम होता है, पर दिखाते ऐसे है जैसे कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। दीपक, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, शर्मा जी ने सब सुन लिया है और उनके तबादले वाली बात यदि गलत हुई तो मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और मेरा लो हो रहा है। अरे अरे, अभी तक तुम लोग अपनी अपनी सीट पर नहीं गए हैं, और ये क्या हाई और लो कर रखा है? अरे इसके तो इस उम्र में भी कान बहुत तेज हैं। अब लगे मेरी तारीफ करने में। हाँ मेरे कान बहुत बड़े हैं, और अपने आप बड़े कान गजानन महाराज के हैं। जिसके बड़े कान होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होता है। जी जी, सो तो सही है सर, इसलिए हम लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ सर, और सर आपका तो माथा भी बहुत ऊंचा है, बहुत हाँ। चौड़ा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं सर, और सर इस उम्र में भी आपके बाल तो एकदम काले हैं। चुप करो बेवकूफ। अरे चांद पर दो बाल हैं, वो भी सफेद हो गए हैं, और कहते हो अभी तक काले हैं। अरे दूध और पानी में अंतर तो किया करो, एकदम सफेद झूठ मत बोला करो। और वो सर गाना भी तो है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अब हाँ हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी तो सब अपना अपना काम करो। मुझे जहाँ जाना होगा पैदल ही चला जाऊंगा। सर आपको कहाँ पैदल जाना है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको रेलवे स्टेशन तक? अरे हाँ, आज मेरी गाड़ी खराब हो गई है भाई। दीपक
शाम को मुझे रेलवे स्टेशन तक जरा अपने स्कूटर से छोड़ आना। लेकिन क्यों सर, क्या मद्रास? अरे हाँ भाई, शाम की गाड़ी से मद्रास से मेरे दोस्त आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करना है। क्या सर, उन्हें लेने जाना है? हम तो समझे थे कि। हाँ हाँ बोलो, शर्मा दो चार महीने की छुट्टी लेकर मद्रास जा रहा है। नहीं सर, वो भी नहीं, हम तो कुछ और ही समझे थे। हाँ सर, वो क्या है सर कि हेड ऑफिस। हाँ हाँ, वो हेड ऑफिस की बात पर याद आया, वो हेड ऑफिस मैन पावर की रिपोर्ट भेजी के नहीं। रश्मि जल्दी रिपोर्ट बनाकर मेरे दस्तखत करवाओ। जी जी अच्छा सर। लगता है शर्मा जी के तबादले का मामला फ्लॉप हो गया है। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। खैर देखते हैं। हेलो। हेलो, मिस्टर शर्मा है? नहीं, अभी तो वो ऑफिस में है। लेकिन ऑफिस में भी नहीं है वो। वो कह के तो ऑफिस का ही गए हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, उन्हें कल रिपोर्ट करना है। हाँ, टिकट बुक करा लिया कि नहीं? लेकिन मुझसे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं जी। अरे भाई, ये कैसा लापरवाह अफसर है शर्मा, ऑफिस की बात भी घर में नहीं बताता। लेकिन ऑफिस की बात वो घर में क्यों बताएंगे? अरे उनका ऑफिस है, वो जाने। आप ठीक कह रही हैं, आप इंटेलिजेंट लेडी लगती हैं, लेकिन फिर भी कोई बात अपनी पत्नी वाइफ से छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है कि क्या हो सकता है लेकिन रश्मि अब आएगा मजा, कल देख रहा शर्मा जी का मजा। हाँ। आज फिर ये लोग अभी तक नहीं आए। रामदीन, रामदीन आया साहिब। अरे साहिब, आपको तो ब्लड प्रेशर है सर, थोड़ा ध्यान रखा करिए। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो रश्मि, दीपक और ये दूसरे लोग, ये अभी तक ऑफिस नहीं आए। 11 बज रहा है 11। साहिब वो तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे आप तो अब सर। क्या मैं तो अब क्या? आप तो अब जाने वाले हैं सर। हाँ हाँ ठीक है, वो कल लक्ष्मी भी कह रही थी मेरे तबादले के बारे में। यानी कि ये समझ रहे हैं कि मेरा तबादला हो गया है, और ये हरकत लगती है दीपक की, यानी कि अब शरारत का मजा शरारत से ही लेते हैं। साहेब आप कुछ कह रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कल दीपक साहब कह रहे थे कि मद्रास की रेल में आजकल बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिलता है, इसलिए पहले से करा लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती साहब। और साहब रश्मि मैडम आपकी पार्टी के लिए 50-50 रुपया इकट्ठा कर रही थी। तो ये बात है, चलो अभी तो विदाई पार्टी लो। वो हेड ऑफिस वाला अपना वर्मा किस दिन काम आएगा? अब अपन भी अपना चक्कर चलाते हैं। ये दीपक और रश्मि वगैरह बहुत खुश हो रहे हैं ना? ठीक है। हेलो, हाँ कौन, वर्मा जी? कैसे हैं भैया आप? अरे वो ऐसा है कि मेरी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है वर्मा जी, अभी थोड़े दिन और चलने देते। हाँ हाँ वो मेरे बदले अभी दीपक का नाम प्रपोज्ड कर दीजिए वहाँ, टाइम बीइंग वो मैनेज कर लेगा, उसको हायर अलाउंस दे देंगे तो फिर ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये सब प्लान सीक्रेट रखना है। अरे भाई दीपक जी, ये फैक्स कहां से आ गया? सर वो हेड ऑफिस से आया है सर, लेकिन सर हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। हाँ सर, आपके बिना दिन कैसे गुजरेंगे, हम तो सोच भी नहीं सकते। आप डांटते भी हैं तो प्यार से सर। हाँ सर,
रश्मि बिल्कुल ठीक कह रही है, आपके बिना तो हम अनाथ महसूस कर रहे हैं। ये लोगन की बात भी ये लोग ही जाने। अरे अभी अभी तो शर्मा जी के तबादले पर बहुत खुश हो रहे थे, अब देखो कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा है, शर्मा जी जा रहे हैं ना। अरे वो तो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन जो भी हो बड़े अच्छे थे। इस दुख के अवसर पर मैं अपनी साथी रश्मि जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी शर्मा जी को पुष्प गुच्छ प्रदान करें और दो शब्द कहें। आदरणीय शर्मा जी, आपको विदा करते मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे हैं। बड़े अच्छे थे हमारे शर्मा जी, काश वो यहीं रह जाते और हेड ऑफिस उनकी जगह किसी और को भेज देता। अब मैं हमारे स्टाफ की तरफ से ये गिफ्ट शर्मा जी को देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, अब मैं आदरणीय शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपना आशीर्वाद हम लोगों को दें। शर्मा जी। दोस्तों, आज मुझे आपसे बिछुड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। सर, ये फैक्स अभी अभी आया है। सर, ये फैक्स मेरे तबादले के रुकने का और मेरी जगह श्री दीपक को भेजे जाने का आया है। अब ऐसा करता हूं कि ये पुष्प गुच्छ मैं दीपक को दिए देता हूं और रिलीविंग भी अभी ही बनवा देते हैं। अब अलग से विदाई पार्टी आयोजित करने से तो कोई फायदा है नहीं। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने हमारी सुन ली। हमारे शर्मा जी हमारे बीच हैं। अरे रश्मि, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं भाई। अरे कोई संभालो यार। संतोष श्रीवास्तव की लिखी झलकी अभी आपने सुनी, तबादला। निर्देशन किया अजीमुद्दीन ने।